आज की रेस्क्यू कॉल है गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर गांव से। मौका पे हम पहुंच चुके हैं। यहां पे कोबरा स्नेक दिखा है और निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां पे कुछ ईटा हटाए जा रहे थे और उसी के दौरान वहां पे स्नेक देखा गया है। तो मौका पे हम पहुंच चुके हैं और स्नेक को रेस्क्यू करते हैं। देखते हैं कौन सा स्नेक है। बताया जा रहा है कि जहाँ तक हो सकता है कोबरा स्नेक को, तो हम मौका पहुँच के देखते हैं कौन सा स्नेक को रेस्क्यू किया जाता है। और जस्ट पास में ही निर्माण का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस साइड भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं ये बीएसपी आप देख सकते हैं। ये वही संदिग्ध जगह है जहां पे कोबरा स्नेक देखा गया है और यहां काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की घड़ियां वहीं समाप्त जबते स्नेक को रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, जहाँ पर उन्हें आपको एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत कर सकेंगे इंसानी बस्ती से दूर। तो देखते हैं कहाँ स्नेक है। बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबरा स्नेक दिख रहा है। यहाँ पे मलबा हटाने का कार्य हो रहा था और यहाँ पे कोबरा स्नेक यहाँ पे छिपा हुआ है। आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग और ये बेहद खूबसूरत प्यारा इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। ऐसे स्नेक बहुत कम ही पाए जाते हैं और स्नेक विष्टा कर दिया, उनका स्वभाव होता है। और ये शीत निद्रा की तैयारी में यहाँ छिपे हुए थे और ये अभी अंदाजा नहीं लगा पाए कि धूप निकल रही है और ये छिपे ही रहे। और सफाई के कार्य के दौरान बाहर की तरफ, क्योंकि इन्हें काफ़ी ठंड का भी प्रभाव है क्योंकि ये ईंटा में छिपे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी नमी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भवन निर्माण का कार्य जारी था। बहुत ही प्यारा इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग और ये बेहद खूबसूरत है और ये अपनी खूबसूरती के कारण जाने जाते हैं करें दुर्भाग्य से। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं, हॉस्पिटल का सहारा लें, मेडिसिन का सहारा लें, क्योंकि झाड़ फूँक के चक्कर पड़ेंगे तो आसानी से मौत हो जाएगी। तो झाड़ फूँक से बचना है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे उतना जल्दी से जल्दी आपका इलाज हो सकेगा। तो इसलिए हमारी बार बार सलाह होती है कि अगर ये दुर्भाग्य से ऐसा हो कि किसी को ये व्हाइट कलर काट ले तो आप तत्काल हॉस्पिटल की तरफ भागें। और यहाँ पे जब से देखे गए उसके दौरान भवन निर्माण का कार्य रुक गया था और लोग इन्हीं के ऊपर निगाह बनाए हुए थे कि हटें तो कार्य को आगे बढ़ाया जाए, तो हमें सूचना दी गई और हम मौका पहुँचे, उन्हें रेस्क्यू किए। भौजी ले जाओ आज। इनका स्वभाव हमें काफी अच्छा लगता है, अपने सेफ्टी के लिए दहाड़ते हैं इनका स्वभाव होता है। आप देख सकते हैं कि इसने कैसे पीछे की तरफ जा रहा है, हमें डराते हुए। और ये आप देख सकते हैं ये कितने जुगाड़ से पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ
खरपतवार है और उसी में पूंछ को फंसा करके धीरे धीरे पीछे की तरफ सरक रहा है। और इन्हें पैक करते हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि ये इंसानी बस्ती के जीव नहीं हैं, इनका वास्तविक घर फॉरेस्ट ही है। और इंसानी बस्ती में रहने से खतरा होता है, लोग डरे हुए होते हैं, मार देते हैं, या कोई इंसान इनके संपर्क में आ जाता है वाइट कर लेते तो इंसान की मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें रेस्क्यू करके हम लेके चल रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर रिलीज़ करेंगे। और हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फॉरेस्ट। और उतना ही खूबसूरत है, उतना ही जहरीला। आप देख सकते हैं कालिया नाग, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग। ऐसे स्नेक 100 में कहीं 10 होते हैं। इतना काला, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, भारतीय नाग। आप इसके साउंड को सुन सकते हैं। और इन्हें हम फॉरेस्ट में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। अब इन्हें प्राकृतिक में बनाए रहना हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये इनके जहर से मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, जो कि हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगी होते हैं, और जिससे प्राण घातक बीमारियों की मेडिसिन इनके जहर से तैयार होते हैं। और इनके वाइट ले लेने पर जो एंटीवेनम लगता है वो भी इन्हीं के, क्योंकि अपने वातावरण के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें और यहाँ पे अपना राज्य करें। और ये अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जाना चाहता है और इसे हम जाने देते हैं, क्योंकि हम और इसने कि अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है। हमारा जंतु बचाने कार्य आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।